मिनी ट्रक रिस्टोरेशन। बांद्रा नाम के गांव में भाटिया नाम के एक व्यक्ति को राहुल नाम का एक बेटा था। वो स्कूल जाकर पढ़ने के साथ साथ खाली समय में उसके दोस्तों के खिलौनों को रिपेयर करके देता था। इसलिए सारे बच्चे राहुल के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। एक बार राहुल स्कूल जा रहा था, तभी उसे अचानक से राहुल राहुल कहकर किसी की आवाज सुनाई देती है। राहुल कौन है सोचकर चारों ओर देखने लगा। उसे नीचे दो लिलीपुट्स दिखाई दिए। राहुल उन्हें अपने हथेली में लेकर अरे वाह, आप लोग तो बहुत क्यूट हो, चुटकू पुटकू जैसे। ए, तुम हमें क्या समझ रहे हो, हमें चुटकू बुलाओगे? मुझे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है नहीं कहूँगा। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें क्या चाहिए? देखो तुम्हें हमारे राजा जी ने लाने के लिए कहा है। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म देखा है, कह रहे थे कि उस फिल्म में चोर किसी गाड़ी में चोरी करता है और उन्हें ठीक वैसी ही गाड़ी चाहिए कहकर हमें आज्ञा दिए। तुम बना कर दोगे क्या? ये क्या, वो राजा है बोल रहे हो और उन्हें चोरों की गाड़ी पसंद आई क्या? देखो मदद के लिए आए हैं कहकर हमारे राजा जी का मजाक मत उड़ाना। अगर यही तुम हमारे राज्य में बोले होते तो तुम्हें कड़ी सजा मिलती थी। देखो ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, पहले उस गाड़ी की तस्वीर दिखाओ। तब वो लिलीपुट्स उसे एक फोटो दिखाए। वो देखकर राहुल ओके चुटकू पुटकू नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक पुराना मिनी ट्रक है, उसे लाकर तुम्हारे राजा के पसंद आए जैसे तैयार करूंगा। तुम्हारा एड्रेस देकर जाओ। लिलीपुट्स राहुल को एड्रेस बताए। बाद में राहुल उन्हें नीचे उतारा, वो वहाँ से चले गए। अगले दिन राहुल अपने पहचानत के दुकान में एक पुराना मिनी ट्रक को लेकर लिलीपुट्स के पास गया। राहुल को देखकर सारे लिलीपुट्स उसके पास आए। बाद में राहुल उनके सामने ही उस मिनी ट्रक को राजा ने जैसे पूछा था ठीक वैसे ही तैयार करके दे दिया। वो देखकर लिलीपुट महाराज उसकी बहुत प्रशंसा किए। बाद में अपने आदमियों से एक ग्लास जूस राहुल के लिए मंगवाए। राहुल उस जूस को खुशी से पी लिया, मगर जूस पीते ही राहुल भी उनके जैसे ही लिलीपुट बन गया। राजा ये क्या, मैं ऐसे क्यों बदल गया? तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस गाड़ी की मरम्मत बहुत अच्छी तरह से किए, इसलिए तुम्हें जिंदगी भर के लिए हमारे लिलीपुट के साथ जीने के लिए तुम्हें लिलीपुट बना दिया। राजा ये अन्याय है, आपकी मदद करने के बदले आपने मुझे यूँ छोटा कर दिया है। मेरे लिए मेरे माता पिता घर में इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम्हें चाहे तो मैं महीने को एक बार आकर एक एक गाड़ी की मरम्मत करके दूंगा, मुझे पहले जैसे बनाओ। मैं तुम्हें कैसे दिख रहा हूँ, पागल जैसे दिख रहा हूँ क्या? तुम्हारे बातों का यकीन करने के लिए अब से तुम मेरे गुलाम हो। क्या, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? देखो राजा, यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ के लोगों को अच्छे से गौर किया है, यहाँ एक भी तुम्हें इज्जत नहीं देते। सब तुम्हारे इस ओवर एक्शन और इस फालतू के कामों को देखकर तुम कब जाओगे कहकर इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मेरे जैसे समझदार आदमी को यहाँ पर रखे समझो, तुम्हारे बदले मैं राजा बन जाऊंगा, एक बार सोच लो। तब लिलीपुट राजा अपने मन में बाप रे, इसकी बात सच है, तुरंत इसे कुछ ना कुछ करके भेज देना होगा, कहकर राजा एक और जूस उसे पिलाकर राहुल को पहले के जैसे बना देता है। देखिए आप मुझे बहुत अच्छे लगे, अब से मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा। तब वो लिलीपुट्स तालियां मारने लगे। उसके बाद राहुल कभी कभार उनके पास आकर
उनके लिए जरूरतमंद मिनी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स तैयार करके देने लगा।